हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस एलईडी बल्ब को ऐसे रिपेयर करना सिखाऊंगा कि ये हमारा एलईडी बल्ब है वो 2 से 3 साल तक खराब नहीं होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप मैकेनिक हो तो अपने कस्टमर को 1 साल की गारंटी इस बल्ब को रिपेयर करके दे सकते हैं। इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए इसके अंदर की पीसीबी को हमें निकल लेना होगा और इसके आगे इस तरह की एमसीपीसीबी लगी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वोट की है और ये 9 वोट की है। कई लोग होते हैं जो इस एमसीपीसीबी में से एक एलईडी खराब हो गई हो तो इसमें से एक एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ही यहाँ पर ऐसे ही सोल्डरिंग करा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे सोल्डरिंग नहीं करना। ऐसे यहाँ पर आप शॉर्टिंग करोगे तो ये हमारा एलईडी बल्ब है वो 5 से 7 दिनों चलने के बाद आसानी से वापस से खराब हो जाएगा। एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें ऐसे ही शॉर्टिंग करनी है, लेकिन ऐसा ही हमें सिर्फ नहीं करना, इसके बाद इस सर्किट में भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस आईसी के बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, मैं आपको एक बार फोकस करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईसी के बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। आपको इनमें से कोई सा भी एक रेजिस्टेंस को उखाड़ कर फेंक देना होगा। यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 4.7 ओम्स और 3.6 ओम। यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी जो ज़्यादा ओम्स का है उसमें से एक रेजिस्टेंस को निकाल देना होगा। ये रेजिस्टेंस हमारे बल्ब में करंट बढ़ाने का काम करते हैं। जब हम इस सर्किट में से एक रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं तब इस एमसीपीसीबी में से हमने यहाँ पर जो सोल्डरिंग की है उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है और ये एमसीपीसीबी भी जरा सी भी जलने वाली नहीं है। इस सर्किट में से रेजिस्टेंस निकालने के कारण इस एमसीपीसीबी के अंदर करंट कम हो जाएगा और करंट कम होने के कारण इस एमसीपीसीबी है वो जलेगी नहीं। ये एमसीपीसीबी है वो 2 से 2.5 साल तक आसानी से चलेगी। इस एमसीपीसीबी में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे आप बल्ब को रिपेयर करोगे तो आपको 1 भी रुपये का खर्चा नहीं आएगा और आपको नई एमसीपीसीबी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को आप 9 वोट या फिर 15 वोट के बल्ब में भी लगा सकते हैं। मैंने ये सभी बल्ब को ऐसे ही रिपेयर किया है। यह बल्ब है वो 2 से 3 साल तक आसानी से चल जाएंगे। मैं इस बल्ब को रिपेयर करके 2 से 3 महीने से चला रहा हूँ, फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी आपको इस बल्ब रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।